हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 53 और 53 क के बारे में, यानी इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 53 ए के बारे में हम जानने और समझने वाले हैं। सेक्शन 53 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस किस तरीके का दंड दिया जा सकता है। और सेक्शन 53 ए में जो बताया गया है, निर्वासन, यानी निर्वासन शब्द को हटा दिया गया है, जो कि निर्वासन शब्द को अगर हम छोटे से शब्दों में समझे तो इसको हम कहते हैं देश से बाहर निकाल देना। तो इस सारे बातें हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानने और समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं अपने विधि ज्ञान चैनल पे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 52 ए तक का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दिया गया। अब मैं चैप्टर 3 शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर 3 में 53-275 तक बताया गया, यानी इसमें दंड के बारे में बताया गया है कि दंड की क्या क्या बातें हो सकती। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर 3 का वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचा दूं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए कि जैसे जैसे मैं आईपीसी का वीडियो बनाऊं आपके पास पहले पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई आईपीसी का इम्पोर्टेंट सेक्शन पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई बात जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या किसी सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऑफेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 53 यानी धारा 53 के बारे में। तो धारा 53 में दंड के प्रकार के बारे में बताया गया। 1860 में जब ये अधिनियम बना था तो उस टाइम इसमें 6 प्रकार के दंड दिए गए थे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो सन 1949 इस सेक्शन में संशोधन किया गया। 1949 में एक दंड के प्रकार को हटा दिया गया, जो दंड की प्रकार थी काला पानी। अंग्रेजों के टाइम में काला पानी की सजा बहुत ज्यादा दी जाती थी, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद इस दंड को हटा दिया गया। अब इसमें 5 दंड बचे हैं, 5 प्रकार के दंड बचे हैं, जैसे कि ये पहला मृत्यु, यानी जिसे हम डेथ जो बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम बोलते हैं, पहले स्थान पर रखा गया उसको। दूसरा है आजीवन कारावास, जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के बारे में बताता है, उस व्यक्ति को जिंदगी भर उसका जेल में ही रखना। वैसे तो हमारे बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास कितने दिन तक रखा जाएगा, तो न्यायालय ने डिसाइड किया कि कम से कम जो आजीवन कारावास की जो अवधि है वो 20 वर्ष है। 20 वर्ष तो जेल में रहना ही है। इसके बाद आता है तीसरा कारावास, इम्प्रिजमेंट। अब इम्प्रिजमेंट जो है इसको भी दो प्रकार में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है कारावास को। पहला है कठिन कारावास, जिसे हम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि परिश्रम करवाया जाता है, यानी हार्ड लेबर उस व्यक्ति से करवाया जाता है, उस अपराधी से करवाया जाता है। लेकिन एक बात इसमें मैं आपको बता दूं, जो हार्ड लेबर जो करता है उसको राशि भी मुहैया कराई जाती है, उसको एक राशि दी जाती है। अब इसमें जो दूसरी जो बात बताई गई है वो सादा, यानी सिंपल उसको सजा दी जाएगी, उसे कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। चौथी बात जो बताई गई है, संपत्ति जब्त कर लेना, यानी प्रॉपर्टी को उसको रख लिया जाता है। पांचवी बात जो बताई गई है, जुर्माना, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको फाइन देके भी छोड़ दिया जाता है। यानी आईपीसी में जो भी ऑफेंस किया जाता है उस ऑफेंस के बदले में ये मात्र 5 प्रकार के ही दंड दिए जा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। इसके अलावा उसको किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। इसके बाद हम जानते हैं धारा 53 का, यानी सेक्शन 53 ए के बारे में। तो सेक्शन 53 ए में निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाने के बारे में बताया गया। अब ये जो सेक्शन है 53 ए, इसको 1955 में जोड़ा गया है, और 1955 में डिसाइड किया गया कि निर्वासन का अर्थ क्या लगाया जाए। अब निर्वासन का अर्थ मैं बता दूं, निर्वासन का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, कि निर्वासन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकाल देना, यानी समुद्री सीमाओं के बाहर निर्वासित कर देना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निर्वासन शब्द को कब हटाए, तो 1955 के संशोधन के द्वारा हटाया गया इसको। अब इसमें क्या है, 4 भागों में बांटा गया इसको, यानी इसमें 4 उपधारा यानी 4 सबसेक्शन दिए गए। पहला सबसेक्शन जो बताता है, उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी विधि का अधिनियम में लिखित आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश
का अर्थ होगा आजीवन कारावास। यानी इस सेक्शन के धारा 2 और 3 के उपबंध में अगर किसी विधि या किसी अधिनियम में कोई लिखित आदेश मिल जाता है कि आजीवन निर्वासन, तो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को आजीवन कारावास माना जाएगा। उसका अर्थ माना जाएगा कि उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। सबसेक्शन 2 यानी उपधारा 2 कहता है, किसी मामले में निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1955 के पूर्व दिया गया है तो उस अपराधी को कठिन कारावास के दंड समझा जाएगा। यानी जब ये संशोधन होता है 1955 में और 1955 से पहले अगर किसी व्यक्ति को निर्वासन का दंड मिल जाता है, उसको आदेश हो जाता है, तो उसको माना जाएगा कि वो कठिन कारावास के दंड का भागी है, वो अपराधी। इसके बाद आता है उपधारा 3 यानी सबसेक्शन 3 कहता है कि किसी मामले या विधि में निर्वासन अवधि दिया गया है, उस निर्वासन को समाप्त कर दिया गया। यानी अगर किसी व्यक्ति को निर्वासन यानी उसको कोई एक लिमिट दे दिया गया है कि इतने वक्त तक, कुछ समय तक वो व्यक्ति इस देश से बाहर रहेगा, यानी 1955 तक की बात हो रही है, 1955 के बाद तो ये सजा किसी को मिल ही नहीं सकता, लेकिन 1955 से अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा सजा मिल जाता है कि वो व्यक्ति इतने अवधि तक देश से बाहर रहे, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अब निर्वासन के लिए समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 4 यानी उपधारा 4 जो कहता है किसी अनप्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति निर्देश हो। यानी अगर किसी प्रवृत्त विधि में अगर निर्वासन का कोई निर्देश दिया गया है यानी आजीवन निर्वासन है, तो उसे आजीवन कारावास समझा जाएगा, या कुछ अवधि के लिए हो तो उसे लुप्त यानी समाप्त समझा जाएगा। तो आपने इस वीडियो में सेक्शन 53 और सेक्शन 53 ए के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा सेक्शन पे वो आपके पास पहले पहुंचे। तो आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।